निमित्त बनते हो, विशेष वो और जनरल सर्वात्मा आप निमित्त बने टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सबका विशेष अटेंशन होता है, इसलिए सबका विशेष अटेंशन रहता तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रहता। क्या सेवा में हीरो पाठधारी निमित्त बनना अर्थात हीरो बनना जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक। ये भी रामा अनुसार विशेष भाग्य सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, पदम पदम से भी पद्मा पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। फिर भी बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का स्मरण जरूर करते और सदा अमृत वेले वहा बच्चे भाग्य सुना सेवादारियों ने। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। विद स्वीटनेस गिव अ विजन ऑफ क्लोजनेस टू द फादर। स्वीटनेस इन योर मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुर बोल मधुर बना देता है।
शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में और आज है 8वां दिन मन मना भव। आज का टॉपिक है मन रस। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति आप सबको। हर कोई ठीक है जी? बहुत अच्छा है। तो जब हम बाबा के समीप होते हैं तो मधुरता होती है, और जब मधुरता होती है तो हम बाबा के समीप होते हैं। तो दोनों रीति ही एक कार्य करता है, क्योंकि जब हम सागर दाता के समीप होते हैं, सर्वशक्तिवान बाबा के समीप होते हैं, तो सारे जो बाबा के गुण हैं वो आत्मा द्वारा अनुभव होते हैं, तो जरूर से मधुरता तो होगी। और दूसरा होता है अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना, तो मधुरता बनाए रखना अपने संकल्पों में, शब्दों में और कर्मों में। और हाँ, फिर जरूर से बाबा हमें बताते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं, लेकिन अपने भाग्य को गुणा करना है। बाबा ने कहा 100 से, 1000, 1000 से, बाबा ने कहा पद्मो पदम गुणा, उसको बढ़ाना है। तो ये जरूर से, इसके लिए जरूर से कुछ चिंतन चाहिए, तो मैं कैसे अपने भाग्य को गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं? हाँ जरूर, बाबा कहते हैं कि उसको प्रयोग करके, लेकिन उसको भी तो यथार्थ रीति ही प्रयोग करना है ना। हम ब्रह्मा बाबा का उदाहरण ले सकते हैं। जो कुछ भी ब्रह्मा बाबा के पास था, हाँ जरूर से, उनकी आयु तो 60 वर्ष की थी, तो उनकी बहुत सारे प्रॉपर्टी थी, धन था, अच्छा परिवार था। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने हर एक को परिवार में कहा कि यही मैसेज है, यही मेरा जीवन होगा और यही मैं करूँगा, जो मेरे को इस पथ पर मेरे साथ चलना चाहते हैं वो चले, वरना आप अपने जीवन का निर्णय ले लें। तो बहुत सारे परिवार वाले, आप जानते हैं निर्मल शांता दादी, ब्रजेंद्रा दादी और विश्वेश किशोर भाव भी, वो बाबा के भाई का बेटा थे। तो बहुत बहुतों ने कहा कि बाबा हम आपके साथ होना चाहते हैं। तो फिर बाबा ने अपने अपने पार्टनर को बोला कि धन के बारे में कि ठीक है आप आधा ले ले, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने कहा आप मेरे से ज्यादा अच्छे हो, उनके पार्टनर ने कहा बिजनेस करने में, तो बाबा ने कहा ठीक है आप थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन मैं उसको परमात्मा के कार्य के प्रति यूज करूंगा। तो फिर बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया। आपको इतनी हैरानी होगी, इन दिनों इतने लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को धन कहाँ से प्राप्त होता है। तो बाबा ने सोचा नहीं कि बाबा ने रचा कोई मधुबन में, कोई अपने भाषण में बता रहे थे कि बाबा उसके व्यापारी थे हीरे के, तो उन्होंने सब कुछ समर्पण किया, लेकिन बाबा ने उसे सच्चे हीरे बनाए। हम सारे सच्चे हीरे हैं ना। तो जब मैं मधुबन में थी तो उनका ये एक
तो उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी जो आध्यात्मिक लीडर थे, तो पहली बारी जो था मैं उसके बीच में, पहली बारी मेरा मैं थी वहाँ पर, तो वो जैसे कि इतने हैरान थे कि जितना ब्रह्मा कुमारी जितने बढ़ रहे हैं, कितनी सारे रिट्रीट प्लेसेस हैं पूरे विश्व में, कितने सारे बाबा के घर हैं। तो एक समय था जब लोग कहते थे कि बाबा के पास कितना धन था, तो बाबा तो कईयों ने कहा कि उन्होंने तो इंटरेस्ट पे लगा दिया और उससे यज्ञ की पालना हो रही है, लेकिन हम जानते थे क्योंकि बाबा तो सबकी चीजों के ट्रस्टी थे। तो सब कुछ ऐसे प्रयोग होता था कि 80 से भी ज्यादा वर्षों से तो यज्ञ की पालना हो रही है और वो वृद्धि को पा रहा है। और मैं भारत में थी और मैं मान नहीं पाई, मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि एकदम हजारों में ब्रह्मा भोजन 25,000 लोगों के लिए। दादी जानकी का दिन थे, दादी गुलजार जी के दिन वाले दिन, और 25-20 हजार लोगों के लिए रहना, हर एक को घर रास्ते का भोजन मिलता है, टोली है, जो कुछ भी है तो वो दिया जाता है बाबा के भंडारे से। बाबा का भंडारा 24 घंटे वहां पर भोजन पक रहा था। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि जो सेवाधारी हैं, आप जाओ भंडारे में तो 300 माताएं चपातियां बना रही होती हैं। तो जैसे कि सब कुछ, जो सब कुछ बेहद का सब कुछ, इतने सारे हर रोज वो कहते थे कि मुझे बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए जैसे, लेकिन हर हफ्ते इतने सारे सौ की तादाद में गीता पाठशाला खुलती हैं, क्योंकि उनका एक प्रोसीजर होता है ना, ऐसे सर्टिफिकेट लेना होता है, रजिस्टर करना होता है, तो हर हफ्ते इतनी सौ की तादाद में खुलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के चेतन मन में क्या था कि सब कुछ अब इतना मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इतना वृद्धि को पाता जा रहा है। तो मतलब अगर आप देखें कि कई बार आप भारत में तो शुरू हो गया, लेकिन अगर आप देखें कि कोई आम के पेड़ को देखें, मुझे पता है कि एक गयाना में एक पेड़ होता था, वो पेड़ होता था, वो हिंदी में उसको चीकू कहते हैं, गयाना में सपाडेला कहते हैं चीकू को, पर इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। तो हजारों के तादाद में वो चीकू होते हैं, तो सिर्फ चीकू ही दिखते हैं उसमें, फिर कोई पत्ते नहीं देखते उसके में, लेकिन ये बीज की क्वालिटी पे। हाँ, फिर ये भी होता है कि धूप भी मिलती है, पानी भी है, कितनी बारिश आए, लेकिन हाँ जरूर से वो संकल्प है, संकल्प बीज है, वो स्मृति बीज है। तो अगर थोड़ा सा भी मैं मेरा आता है, थोड़े से भी अंदर में सूक्ष्म इच्छाएं हैं दूसरों से, तो वो जैसे कि जो फल है उसको आने नहीं देता, उस पे हद लगा देता है। अगर आस है दूसरों से तो बहुत कुछ सोचने के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि बीज को देखते रहें, संकल्प को देखते रहें, हो सकता है शब्द हो, कर्म हो, लेकिन जो क्वालिटी है वो ऐसी हो जैसे, अगर 1,000 चीकू हैं तो 1,000 होंगे, तो 5-6 बीज होते हैं ना एक फल में, लेकिन अगर वो सारे उनको भी बोआ जाए कितना हो जाएगा। तो वही बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम अपना भाग्य बनाएं, उसको वृद्धि को ही वृद्धि करते रहें। तो सिर्फ खुश नहीं हो जाना कि जो हमें मिल रहा है, तो अपनी जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाते जाना है अपने संकल्पों को। तो फिर हमने अभ्यास करा मन की साइलेंस का, और जो सारी मूरत जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड,
वो सारे हमारे जो हमारे अवचेतन मन में होते हैं। अगर आप सही में सूक्ष्म रुतम से रीति से अपने मन को जैसे कि देखें, तो कुछ अंदर में सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म संकल्प होते हैं, बहुत सूक्ष्म, कैसे ये होगा, मुझे तो यहाँ होना चाहिए था। लेकिन अभ्यास करते हो कोई स्थिति, जैसे कि विशेष करके अनादि और आदि स्वरूप। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब हम कहते हैं मन का साइलेंस, तो वो सिर्फ मन का साइलेंस नहीं होता। जब आप कुछ देख रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, या कुछ करते हुए भी, तो उस समय करते हुए भी अच्छी स्मृति हो, स्मृति अच्छी हो। और ये जो घड़ी है, हम सारे यहाँ पर हैं, जहां पर भी हैं, ये ड्रामा है ना, और ड्रामा यथार्थ है, ड्रामा यथार्थ है। लेकिन अगर सूक्ष्म रीति से हम कहीं और होते हैं, हो सकता है ना, ये संभव हो सकता है, क्योंकि मन कहीं और है। और मैं उसको रियलाइज कर रही हूँ कि जब दादी जानकी ने एक बार कहा था कि मैं वहीं पर ही होती हूँ जहां पर मैं होती हूँ, तो उसका अर्थ है 100% वहां पे होना जहां पर हम। ऐसे नहीं कि मन जो है कहीं और भविष्य की ओर जाए कि ये हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं देखती हूँ कि साइलेंस जो होता है मन का, उसके लिए भी बहुत अभ्यास चाहिए। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि संकल्प नहीं आ रहे, बस वही नहीं है, लेकिन बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से। अगर कोई चीजें होती हैं जो मेरे, हो सकता है मेरे संस्कार हो, या जो मैंने देखा हो, या जो मैंने सुना हो, तो इसीलिए ही मुझे लगता है कि जब हमें साइलेंस चाहिए होता है, तो हमें पूरी साइलेंस चाहिए होती है ना, कि हम मुक्त हो जाएं, कि हम अपना कर्म इंद्रियों को ना प्रयोग करें, तो वो साइलेंस हमें चाहिए होती है। वरना कि ना देखें, ना सुने किसी से, ना किसी से बात करें। और हो सकता है कि समय होगा कि हम उस साइलेंस को भी देख पाएंगे, हो सकता है वो समय भी होगा। मैं रुक रही हूं ताकि आप चिंतन करें कि क्या ऐसा होता है, कौन इस समय 100% इस घड़ी में है, क्या मैं हाथ देख सकती हूँ, कोई है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप ये नोटिस कर सकते हैं। इसलिए ही जब अमृत वेला होता है, जब आप मुरली सुन रहे होते हैं, क्या मैं 100% वहां पर हूँ? और फिर आप देखेंगे अंदर में कि बहुत शक्ति है साइलेंस, मन की साइलेंस की। लेकिन उसके बाद है कि अपने मन को मन रस होना, कि मेरे मन को क्या अच्छा लगता है। मान लो कि अगर आपको आम अच्छे लगते हैं, तो जो उसका जो रस है मुख में, उससे मन रस प्राप्त होता है। हम में से ज्यादातर निर्णय करते हैं ये त्याग का जीवन, पवित्रता का, कि बाबा के कार्य के लिए निमित्त होना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें रस आता है इसमें, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को रस प्राप्त होता है। मुझे याद है कितने लोगों ने कितने सारे पूछा कि 60 सालों से आप वही कपड़े पहन रहे हो, सफेद करो, तो आप बोर नहीं होगे? तो मैंने कहा नहीं। आप कभी ऐसे नहीं सोचते कि हाँ मेरे को तो दूसरे आ कहते, कभी आप सोचते नहीं कि आप दूसरे कपड़े भी पहन सकते थे? मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि वो दिल से हुआ ना, दिल से हुआ, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि बुद्धि से था, यह कोई फायदे के लिए नहीं था, ये कोई ऐसे, लेकिन ये मेरे जो दिल को, मेरे दिल को जो अच्छा लगा। और जब दिल को कुछ अच्छा लगता है, तो उसमें शक्ति होती है। और फिर जब आप कुछ निर्णय करते हैं, तो आप वो कर पाते हैं। जैसे कि पढ़ाई के लिए हम पूछते हैं ना कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे मात पिता थे, वो दोनों डॉक्टर थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन वो बेटा डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे, और उन्होंने
नहीं, और वो कार्य नहीं करा, क्योंकि बच्चे को वो पसंद होना चाहिए, उसके मन को पसंद होना चाहिए। तो ये जो इच्छा है कि जो हम जिससे हम अपने चुनते हैं, अपना निर्णय लेते हैं, तो वास्तव में मदद करती है व्यक्ति को उस कुछ अचीव करने में। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध जाते हैं, अपनी चाहना के विरुद्ध जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए कार्य कर सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। इसीलिए मैं देखती हूँ कि, मैं जानती हूँ कि भक्ति मार्ग में हम भक्ति करते थे, महिमा गाते थे भगवान की। जिनको वो अच्छा लगता था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, कई बार थोड़े घंटों के लिए भी। और जिन्होंने करा क्योंकि उनको करना होता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, लेकिन दिल से नहीं। मैं सुन रही थी ये छोटी बहनों को, कुमारियों को, और मुझे लगता है कि ये उनके दिल से है ना। वो अभ्यास कर रहे हैं मन मना भाव दिल से, और उसकी वजह से उनकी अच्छी मंथन होते हैं, उनके अच्छे अनुभव होते हैं, तो वो सूक्ष्म वतन रास जा सकते हैं, बाबा के साथ मिल सकते हैं। और वो सब कुछ इतना आसान और स्वाभाविक लगता है उनको, क्योंकि वो चाहते हैं उसको। हाँ, जरूर से हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि मन रस है, लेकिन ये और है जैसे कि क्या मैं, किस में मुझे आनंद आ रहा है, क्या मुझे सुख दे रहा है, मुझे क्या संतुष्ट कर रहा है जीवन में। मैंने कितनी बार पूछा कितने सारे आत्माओं को कि आप ज्ञान को में क्यों आए, आपने इतनी छोटी उम्र में ही बाबा के क्यों बने? क्योंकि संतुष्टता की कमी थी जो भी वो कर रहे थे। मैं कहते थे कि हम उठते हैं सुबह में, हम तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या स्कूल जाते हैं, जो भी हमें करना होता था, हर रोज वही रूटीन था। तो इसलिए, हाँ, तो क्या इसलिए उठे हैं कि बस उठे और शरीर का ख्याल रखें? तो मैं आत्मा हूँ इस शरीर में, सिर्फ शरीर का ख्याल रखने के लिए हूँ, या कोई और लक्ष्य भी है? तो फिर हमें रूहानी यात्रा के बारे में पता लगा, और मैंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत इसका अर्थ निकलता है ना, कि आप शरीर का भी ख्याल कर रख सकते हैं, लेकिन आप हम रूहानी यात्रा पर हैं, कि हम पुरुषार्थ करते हैं कि जहाँ पर हम बेहतर होते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं जब हम बढ़ रहे होते हैं, तो पुरुषार्थ करते हैं जहाँ पर हम सेवा कर पाते हैं, और हर एक की सेवा में कितनी संतुष्टता आती है। इसलिए यही कारण है कि हम बाबा के पास आते हैं, ताकि मैं कुछ कर सकूं। और अब हम वो कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर का भी ख्याल रख रहे हैं, जिनको परिवार है उसकी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन रूहानी यात्रा पर होते हुए और हर क्षण संकल्प, शब्दों और कर्मों द्वारा सेवा करते रहना, चाहे हम कुछ भी नहीं करें, लेकिन हमारी उपस्थिति, जहां पे भी हम बैठेंगे, हम क्या बात करेंगे? लेक्चर तो नहीं देंगे ना, लेकिन हम ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, अपनी दृष्टि द्वारा हम परमात्म प्रेम देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से निरंतर सेवा होती है। बाबा एक उदाहरण देते हैं फूलों का, कि बहुत जो फूल होता है वो इतना खुशबूदार होता है, जहां पे भी आप रखते हैं तो वो उसकी खुशबू फैलाता है, तो आपको कुछ करना नहीं होता। तो हमारी जो अपनी जो रूहानी स्थिति है, वो निरंतर सेवा करती है, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा, उपस्थिति द्वारा। और लोगों को महसूस होता है, ओ, जैसे ही आप आते हैं कमरे में, तो एनर्जी एकदम बदल गई कमरे की, तो आपको कुछ कहना नहीं होता। तो हमें
बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और वृद्धि करनी है अपने भाग्य की और उसके साथ साथ अंदर में बैटरी चार्ज करने के लिए हमें मन का साइलेंस चाहिए क्योंकि तुरंत ही वो बढ़ जाएगा, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, हमारी वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो जाएंगी और सब कुछ करना है, जो कुछ भी करना है अपने दिल से, इसलिए नहीं कि हमारी ड्यूटी है लेकिन पूरे दिल से करना है। हमारे में अंतर आते हैं ना, जो लोग कुछ भी काम करते हैं दिल से करते हैं या दिल से करते हैं और कुछ नहीं करते दिल से, कोई करते हैं क्योंकि उन्हें करना होता है, तो उन दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो हमारे जो जो पिता हैं वो हीरे के व्यापारी हैं और उन्होंने इतने सारे हीरे रचे हैं, हम एक एक हीरा है, हमें सिर्फ पहचाननी है अपनी मूल्य और वो स्वमान रखना है और उसका प्रयोग करना है ताकि उसको और वृद्धि करके उसको बढ़ाना है अपने भाग्य को। तो ये थोड़ा और सूक्ष्म है कि जब भी हम अभ्यास करते हैं कुछ तो हमें लगता है हाँ कुछ और तो है इसमें और कार्य भी है, तो वही मैंने देखा साइलेंस के साथ आज, और देखते हैं कल मन मन रस को देखेंगे। ओम शांति। शांति, वेलकम। ओम शांति, आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। प्रकाश मणि, ज्ञान के मोती दादी प्रकाश मणि जी द्वारा। नाम है सहज योगी सन्यासी, जो साथ रहते साथ में सब कुछ कर्म करते भी हम त्यागी है, तपस्वी है, सन्यासी है। अगर सहज योगी नहीं तो फिर न त्यागी हो न तपस्वी हो, फिर जरूर योग में बैठेंगे तो कई संकल्प विकल्प आप लोगों को देहमान में लाएंगे, फिर आप सहज योगी तो हो ही नहीं। एक बाबा याद नहीं रहेगा, फिर कई प्रकारों के संकल्प विकल्प चले। अगर संकल्प विकल्प योग में चले तो फिर कहती फरिश्ता स्थिति भी नहीं, फिर कर्मातीत कब बनेंगे, फिर तो कर्म बंधनी बनेंगे। इसलिए अगर आप सबको ऊंचे ते ऊंचा
बाप समान बनना है तो बाबा सदैव अपना उदाहरण देते कि सामने साथ में रहते, प्रैक्टिकली कदम कदम में दिखाया, नष्टो मोहा नष्टो मोहा नष्टो मोहा। और ये भी प्रैक्टिकल देखा कि बाबा के दिल में एक बाबा स्वयं कोई कुछ नहीं, सब को अति प्यार करेगा। जो हर एक ये कहते मेरा बाबा, हर एक लगता मेरे जितना बाबा और किसको प्यार नहीं करता, परंतु सही बात है बाबा करता है इतना प्यार, परंतु प्यारे होते प्यार करते भी अति न्यारा 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 बाबा। पहले प्रैक्टिकली ये स्थिति अनुभव करो कि हम गृहस्थी सब भूल जाओ, भूल जाओ माना घर बार थोड़ी छोड़ना, परंतु हम है बाबा के न्यारे प्यारे बच्चे। सिर्फ ट्रस्टी नहीं कहती, फिर नेक्स्ट स्टेज ट्रस्टी है, पर फर्स्ट स्टेज है सब बाबा के बच्चे। योगी बनो, तपस्वी बनो, टाइटली है कमल फूल समान न्यारे। फूल कितना सुंदर आकर्षण करता, परंतु कितना न्यारा न्यारा रहता। तो आप सभी ये प्रैक्टिस करो, हम गृहस्थी है गृहस्थी है, पर योग भट्टी में हम गृहस्थी नहीं गृहस्थी नहीं गृहस्थी नहीं। तो क्या हुए, हम ट्रस्टी ट्रस्टी योगी योगी। आप अपना लक्ष्य सवेरे से जो सब सुनो ये लक्ष्य रखो, तो लक्ष्य से लक्षण भी आएंगे और उसी में ऑटोमेटिकली जो कोई भी संस्कार है, आसुरी कहो ये अभिमान के कहो, वे नेचुरली ही परिवर्तन हो। सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादे के मन में थी, 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली, हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया,
ओम शांति। हैं हमारे दो फरिश्तों को। आज है हमारे साथ सिस्टर श्रेया, जिन्होंने हमारे साथ कल शेयर किया, और खुशबू सिस्टर। तो मैं दोनों फरिश्तों को स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। मैं आशा करती हूँ कि हर एक के अच्छे अनुभव हुए। मन के साइलेंस के द्वारा, और मैं आज हम बुलाना चाहेंगे सिस्टर खुशबू को। सो मुझे पक्का है कि उनके भी अच्छे अनुभव रहे होंगे। क्या आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे मन मना भाव की स्थिति का? ओम शांति सिस्टर श्रेया। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति मोहिनी दीदी। ओम शांति सिस्टर श्रेया अव्यक्ति परिवार और ओम शांति मोहिनी दीदी। ये बहुत अच्छा अनुभव था कि मन का साइलेंस हो और बाबा के साथ कनेक्ट करने का। तो जब मैंने अभ्यास शुरू किया सुबह में, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था मन को स्थिर करना और कि व्यर्थ संकल्प नहीं आए, लेकिन फिर धीरे धीरे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो तो गया, तो मुझे हल्का लगा दिन के अंत में। शाम को ऐसे महसूस हुआ कि सारा भार, मेरा सब भारीपन बाबा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जब मैं अभ्यास कर रही थी, तो मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो एकाग्रता थी वो बढ़ गई, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्योंकि मन थोड़ा शांत था, तो जो भी मुझे करना था वो उसमें मुझे ज्यादा प्राप्ति हुई। और जैसे मैं एक कार्य से दूसरे कार्य में मैं जा रही थी, तो मेरे लिए आसान था कि मुझे क्या करना है। तो मैं जरूर से कहूंगी कि मेरा अच्छा अनुभव रहा। लेकिन उसके साथ एक और चीज, जब मन शांत होता है तो आप बाबा को सुन सकते हैं और फिर आप बाबा को बहुत गहराई से जुड़ पाते हैं। तो ये जो मन मना भाव एक की याद थी, तो मुझे लगता है कि मन को कहना कि चुप हो जाओ, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आओ, तो ये कार्य नहीं करता। लेकिन अगर लेकिन उस अभ्यास को, जो स्वमान के जो पॉइंट है उनको अभ्यास करना, कि निरंतर वो स्मृति रखना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथी हैं, या शुभ भावना हो हर एक आत्मा के प्रति, या फिर वो सारे जो पॉइंट्स हैं अगर उनको बारी बारी स्मृति में लाए जाए, तो फिर तो ऐसे लगता है कि मैं शक्ति जमा कर रही हूँ। और तो ऐसे लगता है मन के अंदर जैसे बहुत क्षमता आ गई, और जैसे कि व्यर्थ संकल्प जैसे कि गायब होने लग जाते हैं, जैसे कि मन जो है वो शांत होने लगता है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये होमवर्क जरूर से सिंसियरली लेना चाहिए, तो मैं जरूर से मैं देख सकती हूँ कि बहुत फायदा है अंत में। और लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ ऐसे नहीं कि मन को कहो कि रुक जाओ, इतने ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं आने दो, लेकिन वो स्मृति रखना पूरे समय स्वमान की और बाबा के साथ जुड़ना, तो वो बहुत मदद करता है। और कई बार मैं परम धाम चले जाती हूँ बाबा के साथ, और फिर मैं कहूंगी कि बाबा यहाँ आ जाओ मेरे पास, तो फिर सकाश मिलते हैं बाबा से, तो ये बहुत ही प्यारा है। तो फिर आप महसूस करते हैं कि जैसे बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं बाबा के साथ ही यात्रा कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ ही हैं। तो ये बहुत ही, तो आपको महसूस होता है जैसे बाबा आपका ख्याल रख रहे हैं, तो ये बहुत ही प्यारा है।
बहुत ही सुंदर अनुभव। तो यही सारा होमवर्क था जो सारे मोहिनी दीदी ने शुरू करा मन मना भाव के साथ और एकाग्रता की शक्ति के साथ और अपने मन को सरेंडर करना, तो अलग अलग अभ्यास ताकि वो मन मना भाव की स्थितियां हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या कोई और अभ्यास है जो आप बताना चाहते हैं क्लास के साथ? मुझे लगता है कि दूसरी चीज जो है कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ कि जो कुछ भी जो भी सीन आप देख रहे होते हो ड्रामा के या जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर हम अपने आप को डिटैच करते हैं उसे, अपने आप को अलग करते हैं तो साक्षी हो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मदद करेगा कि व्यर्थ को आने से रोकता है। तो मैं कहूंगी कि वो अभ्यास करना कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ, मैं और मेरे से मुक्त हूँ और मैं आत्मा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो उस अभ्यास के साथ करना भी तो वो मुझे मदद करेगा कि मैं उसमें और उसमें मेरे उसमें और तीव्र गति लाएगा। तो क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे? Please your mind. To listen and to become is to please your mind. Mana bhav, manras. Is man sunana aur banana. Yeh hai manras. मंत्र ही है मन मना भाव, मन को बाप में लगाना। जब मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही वह बन जाता है। तो मन रस अर्थात जहाँ मन होगा वैसा बन जाएंगे। मन मना भव, मन मना भव, सुनना और बनना, मन रस। टू लिसन एंड टू बिकम, सुनना और बनना, यह है मन रस। द मंत्रा यू आर गिवन, मंत्र ही है मन मना भाव, टू फोकस योर माइंड ऑन द मन को बाप में लगाना। When your mind is occupied with something, मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। For example, जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही वह बन जाता है। Would become like that. So, तो मन रस अर्थात जहाँ मन होगा वैसा बन जाएंगे। मन मना भव, मन रस, सुनना और बनना, यह है मन रस। Thank you.
मंत्र ही है मन मना भव। मन को बाप में लगाना, जब मन लग जाता है तो जहां मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातों में मन चला जाता है तो स्वरूप ही वह बन जाता है। तो मनरस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएंगे।